एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 27, cos a के माइनस साइन है, sec a माइनस cos है, और आपको प्रूव करना है 1/10 a प्लस cot. तो मैंने तुम आपको पहले बता रखा है कि अगर साइन cos में नहीं है कोई स्टेप, तो आपको पहले क्या करना है, साइन और cos में चेंज करना है. cos a और sec को आप साइन और cos में चेंज कर सकते हो. सबसे पहले cos a की जगह पर हम लिखेंगे 1/sin a और माइनस साइन है. इसी तरह से sec की जगह हम लिख सकते हैं 1/cos a और माइनस cos. हमने भी चेंज किया है साइन और cos में. दो ब्रैकेट है, दोनों ब्रैकेट का अलग अलग एलसीएम लेना पड़ेगा. फर्स्ट ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे यहाँ पर साइन a का, तो ऊपर यहाँ पर 1 माइनस साइन a का, जब साइन a से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर a. इसी तरह से सेकंड ब्रैकेट का एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर एलसीएम आएगा cos a, तो यहाँ पर भी वही चीज होगी 1 माइनस cos a, cos a मल्टीप्लाई होने पर हो जाएगा cos स्क्वायर a. और हम जानते हैं 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या आता है, 1 माइनस साइन स्क्वायर की जगह हम लिख सकते हैं cos स्क्वायर a और अपॉन साइन. ये दोनों ब्रैकेट बीच में कोई साइन नहीं इसलिए मल्टीप्लाई में है, तो यहाँ मल्टीप्लाई का साइन लगा देंगे. 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा और अपॉन में cos, ठीक है, मल्टीप्लाई में है तो आप इसको कैंसिल कर सकते हो. तो cos a से ये एक cos कैंसिल हो गया और sin a से एक sin कैंसिल हो गया, तो हमारे पास क्या बचा, cos a और sin. लेकिन अभी भी हमारा RHS नहीं आया. ऐसी कंडीशन में जब आप RHS को सॉल्व कर लेते हो और आपका आंसर नहीं आता है, तो आपको क्या करना होगा, RHS को भी सॉल्व करना है. तो अब हम RHS को भी सॉल्व कर लेते हैं. RHS में tan और cot को हम चेंज कर देंगे, tan थीटा की जगह sin अपॉन cos और cot थीटा की जगह पर cos अपॉन sin. ये लिख दिया. अब क्या करना है, ऊपर तो 1 है ये, अपॉन एलसीएम लेंगे cos a और sin a का. cos a sin a का एलसीएम ले लिया, sin का sin से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा sin स्क्वायर a, और cos का जब cos से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर a. और हम जानते हैं कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू होता है 1. लेकिन पहले उससे पहले आप इसको ऊपर भेज दो, या फिर आपकी इच्छा, आप पहले भेजना चाहो तो ठीक है, नहीं तो आप डायरेक्ट लिख दो यहाँ पर sin स्क्वायर a प्लस cos स्क्वायर की जगह पे 1 और अपॉन में cos a sin a. अब ये cos a sin a जाएगा यहाँ पर, ये हो जाएगा cos a into sin a. तो LHS भी हमारा वही एंड हुआ था cos a sin a पर, तो RHS भी cos a sin a पर एंड हो गया, इसलिए हमारा आंसर आ चुका है LHS is equal to RHS. अब है क्वेश्चन नंबर 28, cos square theta upon 1 minus tan theta और प्लस sin cube theta upon sin theta minus cos theta, और आपको आंसर लेके आना है 1 plus sin theta cos theta. तो साइन कॉस सब जगह दिख रहा है, बस यहाँ पर एक टेन है, तो इस टेन को भी अपन यहाँ पर हटाएंगे. टेन की जगह हम क्या लिखेंगे, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा. पहली स्टेप वही होगी हमारी, कॉस स्क्वायर थीटा तो यही है और अपॉन में 1 माइनस टेन की जगह हम लिख देंगे साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, और इधर कोई चेंज नहीं होगा, एज इट इज रहेगा साइन क्यू थीटा और अपॉन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ठीक है. अब आपको क्या करना है, यहाँ पर 1 माइनस आ रहा है इसलिए इसका एलसीएम लेंगे, यहाँ पे कोई चेंज नहीं करना है आपको, एज इट इज रहेगा cos स्क्वायर थीटा अपॉन एलसीएम लेंगे हम यहाँ पर cos थीटा का. cos थीटा का 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो cos थीटा माइनस sin थीटा, और ये एज इट इज लिख देंगे, ऐसा कैसा कोई चेंज नहीं है इसमें, sin क्यूब अपॉन sin थीटा माइनस cos थीटा, ठीक है. अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था मैंने कि अपॉन में जो होता है वो ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, ऐसे पेपर उल्टा होता है, व्युत्क्रम हो जाता है. तो cos थीटा का जब cos स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा cos क्यूब थीटा और अपॉन में cos थीटा माइनस sin थीटा, प्लस यहाँ पर sin क्यूब थीटा और अपॉन में sin थीटा माइनस cos थीटा. अभी भी हम एलसीएम लेना चाहते हैं पर अभी नहीं ले सकते क्योंकि cos माइनस sin, sin माइनस cos, उससे पहले वाले क्वेश्चन बताया था मैंने कि आप एलसीएम लेने के लिए चेक करेंगे कि दोनों के अपॉन में जो नंबर से जो टर्म्स है वो दोनों सेम होने चाहिए. यहाँ पर इस cos को आगे लाने के लिए माइनस की जगह प्लस आना चाहिए, तो ये प्लस का जगह माइनस साइन चेंज करेंगे, ठीक है. तो cos क्यूब थीटा अपॉन cos थीटा माइनस sin थीटा, प्लस की जगह आ जाएगा माइनस साइन और sin क्यूब थीटा अपॉन, अब आप इस cos को आगे लिख सकते हो cos थीटा माइनस sin थीटा. ऐसा क्यों किया, ताकि हम एलसीएम ले सके दोनों के अपॉन में cos माइनस sin,
कॉस माइनस साइन हमको दिखता है. अब अपन लेंगे एलसीएम, कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, तो ऊपर क्या बचा, कॉस क्यूब थीटा माइनस साइन क्यूब थीटा, ए क्यूब माइनस बी क्यूब. तो फॉर्मूला होता है अपना ए क्यूब माइनस बी क्यूब का, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी. ए माइनस बी, ए माइनस बी मतलब कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, ये तो हो गया ए माइनस बी. फिर ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस बी स्क्वायर, बी स्क्वायर की जगह आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, और ए बी की जगह आ जाएगा कॉस थीटा इंटू साइन थीटा, और अपॉन में कॉस थीटा माइनस साइन थीटा. ए माइनस बी, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए और बी. कॉस माइनस साइन कैंसिल, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह हम लिख देंगे वन प्लस कॉस थीटा और साइन थीटा. तो आंसर यही वन प्लस साइन कॉस, वन प्लस साइन. अब वो कॉस साइन लिखा है साइन कॉस, उसे तो पढ़नी पड़ेगा, टू इंटू थ्री और थ्री इंटू टू एक ही चीज होती है, तो ये हो गया आंसर. एल एच इज